नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चॉकलेट की बर्फी सिखाने वाली हूँ। ये चॉकलेट की बर्फी केवल 5 मिनट में तैयार हो जाती है और ये छोटे से बड़े सबको बहुत पसंद आती है। ये मेरी राखी स्पेशल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को बनाएं और अपने प्यारे भाई को खिलाएं। तो चलिए चॉकलेट बर्फी बनाना शुरू करते हैं। ये जो एक्लेयर्स चॉकलेट आती है, मैंने वो चॉकलेट ली है। मैंने 25 पीस चॉकलेट ली है। उसको मैंने रैपर निकाल के एक कप में ले लिया है। 1 कप चॉकलेट ली है, उसको मैं कढ़ाई में ले लेती हूँ। ये जो 200 ml का मेजरिंग कप है, मैंने वो नाप से 1 कप चॉकलेट ली है। 1/2 कप सिंगल क्रीम, जो 100 ml का मेजरिंग कप आता है, मैंने वो नाप से क्रीम लिया है। मैंने ये क्रीम यूज़ किया है। अगर आपके पास क्रीम लेके आने का समय नहीं है तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्रीम को कढ़ाई में ले लेती हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। अब हमें सारे मिश्रण को धीमी आंच पे गर्म करना है। हमें इसे जब तक चॉकलेट पिघल ना जाए तब तक हमें कुक करना है। 2 से 3 मिनट के अंदर चॉकलेट पिघल जाती है। इसे आप धीमी आंच पे ही कुक कीजिए। हमें इसे लगातार चलाते हुए कुक करना है। अगर हमने इसे स्टर नहीं किया तो चॉकलेट जल जाएगी। आप देख सकते हैं अच्छे से चॉकलेट पिघल चुकी है और ये पेस्ट फॉर्म में तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप बिस्किट का चूरा डाल रही हूँ। पहले हम 1 कप डालेंगे। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्किट का चूरा डालते समय आप आंच को बंद कर दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। हमें इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है। अगर आपने आंच को चालू रखा तो ये बहुत ही ड्राई हो जाएगा। जब सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है तब मैं इसमें 1/4 कप बिस्किट का चूरा और डाल रही हूँ। आप एक साथ 1/4 कप चूरा मत डालिए, अगर ज़रूरत लगा तो ही हम आगे 1/4 कप डालेंगे। हमारा बर्फी का मिश्रण थोड़ा सॉफ्ट है, इसीलिए मैं 1/4 कप ऐड कर रही हूँ। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में तैयार हो चुका है। मैंने बटर पेपर पे घी लगा दिया है, उसके ऊपर ये मिश्रण को डाल देती हूँ। मैं इसे एक रेक्टेंगल शेप में बना रही हूँ। बर्फी का मिश्रण स्प्रेड करते हुए जो किनारे हैं उसको भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बर्फी की रेसिपी बहुत ही इजी है और झटपट तैयार हो जाती है। केवल 5 मिनट में तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। इसकी सामग्री बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इस राखी पे आप बिल्कुल भी बाहर से मिठाई ना लाएं, अपने हाथों से अपने भाई के लिए बनाएं और उसे खिलाएं, वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। स्पैचुला की सहायता से हम बर्फी को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे डायरेक्ट थाली में भी स्प्रेड कर सकते हैं, पर मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ जो आपको मैं दिखा रही हूँ। हमारी बर्फी अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, जिससे कि वो अच्छी तरह से जम जाए और फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने बर्फी को फ्रिज में से निकाल लिया है। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने बर्फी को फ्रिज में से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो चुकी है। हम राखी के लिए बना रहे हैं तो हम इसे थोड़ा सा सजाएंगे। मैं इस पे वरक लगा देती हूँ। आप अच्छी तरह से सब जगह पे वरक लगा लीजिए। वरक लगाने से ये बर्फी बहुत ही खूबसूरत दिखती है। मैंने बर्फी पे अच्छे से वरक लगा दिया है। मैंने 1/2 कप डार्क चॉकलेट लिया है। इसको मैं 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करूंगी। 30 सेकंड्स माइक्रोवेव करने के बाद में चॉकलेट पिघला नहीं था तो वापस मैंने 30 सेकंड्स रखा। टोटल मैंने 1 मिनट चॉकलेट को माइक्रोवेव किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कभी भी एक साथ में 1 मिनट ना रखें। 30 सेकंड्स के इंटरवल पर चॉकलेट को मेल्ट कीजिए। आप देख सकते हैं चॉकलेट अच्छे से पिघल चुका है। हमारा चॉकलेट बनके तैयार है। मैंने इसे कोन में भर लिया है।
अब मैं ये चॉकलेट को जो बर्फ़ी है उसके ऊपर ड्रिज़ल कर लूँगी। मैं आपको मेरे तरीके से मैं बनाती हूँ वो मैं सिखा रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट बर्फ़ी के पीसेस कट करके सर्व कर सकते हैं। हमने चॉकलेट को अच्छे से ड्रिज़ल कर लिया है। अब मैं उसके ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ता डाल रही हूँ। ये बर्फ़ी को बहुत ही बढ़िया लुक देता है। आप चाहें वैसे इस बर्फ़ी को डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा कैमरा बीच में ही स्टॉप हो गया था, इसकी वजह से गुलाब की पंखुड़ियों वाली क्लिप नहीं रिकॉर्ड हो पाई है। मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। अब मैं उसके ऊपर सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल रही हूँ। अब मैं बर्फ़ी के पीसेस कट कर लेती हूँ। हमारी चॉकलेट बर्फ़ी बनके तैयार है। ये बर्फ़ी 7 से 8 दिन बाहर रहती है और आप 10 से 15 दिन उसको फ्रीज में रख सकते हैं। ये स्वाद में बहुत ही लाजवाब है। आप इस रक्षाबंधन पे बनाएं और अपने प्यारे भाई को खिलाएं। मैं बर्फ़ी को सर्व कर लेती हूँ। हमारी राखी स्पेशल चॉकलेट बर्फ़ी बनके तैयार है। मैं आशा रखती हूँ आपको मेरी राखी स्पेशल सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।